सकता है और सिंगल आर्कसाइटिक सिमिट्रिक जोन को पकड़ता है जिसको रूमेटॉइड आर्कसाइटिक सिमिट्रिकल होता है, यानी शरीर के दोनों हिस्सों में तो डार्क ग्रीन बराबर होता है। आजकल बहुत ज्यादा सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस देखा जा रहा है, यह एक लाइफ स्टाइल डिजीज में से एक है। देर तक व्यक्ति काम कर रहा है, तनाव का काम है, तो उसकी गर्दन में दर्द होता है, तो जॉइंट्स में सर्वाइकल जॉइंट्स में सूजन आ जाती है, तो उसको उसी आर्थराइटिस की कंडीशन को सर्वाइकल स्पॉन्डाइटिस कहते हैं। अच्छा डॉक्टर, अगर हम उपचार की बात करें, थोड़े से लक्षणों के साथ में उपचार आप हमें कैसे मिले जाना चाहेंगे, तो आप सबसे पहले किन किन दवाओं के साथ शुरुआत करते हैं या फिर लक्षणों को देख करके, और साथ में ये भी होता है कितने समय से इस बीमारी का जो चल रहा है उपचार, तो उस हिसाब से उपचार होता है। हाँ, होम्योपैथी में आर्थराइटिस का बहुत अच्छा उपचार है, और मैं कहूँगा केवल होम्योपैथी और आयुर्वेद या यूनानी में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सो कॉल्ड इनमें ज्यादा अच्छा उपचार है। होम्योपैथी से आर्थराइटिस की बढ़ती कंडीशन को रोका जा सकता है और उसको वापस सही की ओर लाया जा सकता है, सैनिवल फ्यूज को। अब जहाँ तक ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात है, तो उसका जो हड्डी का वियर एंड टियर हुआ है, हड्डी में जो डिस्फंक्शन हुआ है उसको जो है वो ठीक करा जा सकता है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स की सूजन कम करी जा सकती है। एक चीज और दर्शकों के लिए मैं अपनी तरफ से इंगित करना चाहूंगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस की समझने के लिए या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए आप चार सवालों का अपने को जवाब दे लीजिए, इससे आप जान लेंगे आपको डॉक्टर की जरूरत है कि नहीं। पहला, इसके जो चार प्रमुख सिम्टम है, पहला, आपके जोड़ों में दर्द होता है या नहीं होता है, ज्यादा देर खड़े रहने से दर्द होता है या नहीं होता है, पहले हड्डी में कभी चोट लगी है या नहीं लगी है, और सुबह उठने पर दर्द होता है कि नहीं होता है। इन चारों सवालों में से अगर आपको कोई सवाल में ना है, तो आप अपने डॉक्टर से एक बार इसको रूल आउट करने के लिए अवश्य मिले। और लक्षणों के सामने डॉक्टर एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जैसे शरीर के कुछ छोटे छोटे अंगों में जो भी दर्द होता है, तो ये भी आर्थराइटिस के, ये भी एक आर्थराइटिस का प्रकार है, इसको गाउट कहते हैं। गाउट में यूरिक एसिड की अधिकता हो जाती है, ये तीन प्रकार से हो सकती है, या तो यूरिक एसिड ज्यादा बने, या हम पानी कम पिए वो डिस्चार्ज ना हो, या वो बॉडी में रिटेन हो जाए ना निकल पाए, तो ये गाउट की कंडीशन होती है और ये छोटे लोगों में। उपचार होम्योपैथी में बहुत अच्छा उपचार है। पहले हम चलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, वो आर्थराइटिस जिसमें आपकी हड्डियों को डैमेज हुआ है, ये बेसिकली 60 साल का ऊपर होता है, और महिलाओं में पुरुषों में जो महिलाओं का रेशियो 1:3 है, तीन महिलाओं में तो एक पुरुष में ये पाया जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में महिलाओं के क्षेत्र में एक दवा हम लोग मेडोराइन से इलाज शुरू करते हैं। वैसे तो होम्योपैथी पूरा आकलन का पैथी है, लेकिन फिर भी दर्शकों के लाभ के लिए मेडोराइनम से इलाज शुरू करते हैं, इससे बहुत लाभ होता है। उसके बाद ऑस्टियोआर्थराइटिस में रस्टॉक्स दी जाती है अगर मरीज को चलने से आराम मिलता है, और ब्रैनिया दी जाती है अगर मरीज को चलने से तकलीफ होती है। हड्डी में एक कड़कड़ाहट भी होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, उसके लिए एंगोस्टुरा बहुत अच्छी दवा है, ये आपकी एक महीने में हड्डी का जो क्रैकिंग है उसको खत्म कर देगी। उसके बाद हड्डी में जलन होती है, तो जलन कम करने के लिए बहुत अच्छी दवा है कॉस्टिकम, यह हड्डियों की जलन कम करती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखा गया है कि मरीज के तलवे में भी जलन होती है, तो यहाँ पर सल्फर, अगर मरीज को खाने में मीठा पसंद है तो सल्फर बहुत लाभकारी दवा है। इसके अलावा एक दवा थोड़ी निग्लेक्टेड है, लेकिन हम देखते हैं इसको अप्लाई करके आदमी का बहुत अच्छा काम करती है, तो इस तरह अगर दवाओं को समाप्त करें ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए, तो रूटा, कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया कार्ब। अगर मरीज को पानी के काम से जोड़ों का दर्द बढ़ता है, तो महिलाएं हमारी दिन भर घर के काम करती हैं, घर को संभालती हैं, कपड़ा धोना है, बर्तन है, खाना बनाना है, पानी के ढेरों काम है, तो इसमें कैल्केरिया कार्ब बहुत ही इफेक्टिव दवा है। तो इस तरह रूटा, कैल्केरिया फॉस, रस्टॉक्स, कालमिया, डलका, आर्निका, ये सब बहुत अच्छी दवाएं हैं। तो सब आपने इन दवाओं के नाम बताए, तो जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, तो क्या वो घर बैठ करके इन दवाओं को ले, तो कोई उसको हानि तो नहीं होती? नहीं, मुख्यतः कोई हानि नहीं है। होम्योपैथी ओनली साइड इफेक्ट्स नहीं है, ओनली इफेक्ट्स हैं, तो ऐसी हानि नहीं है। लेकिन फिर भी मशवरा है कि हम आपसे इतना कह सकते हैं कि इसमें इलाज पूरी तरह संभव है। आप एक
अच्छे चिकित्सक से मशवरा लेकर ही दवा करें। ये प्राथमिक उपचार के तौर पर लिया सकता है? ये प्राथमिक उपचार तो बिल्कुल लिया जा सकता है, और आजकल बहुत अच्छा हो गया है, एलोपैथी होम्योपैथी सब मरीज करके, क्योंकि सबका मकसद आपको लाभ देना है, तो सारी पैथियों का इस्तेमाल करके इसमें आप लाभ ले सकते हैं। और एक दवा मैं और बताना चाहूंगा, यूरिक एसिड आजकल बहुत बड़ा है, आदमी प्रोटीन ले रहा है, चाहे वो एनिमल प्रोटीन हो चाहे वो पनीर हो, इस तरह की सब्जियां लाइफ स्टाइल में शामिल हो गई हैं। तो गाउट की एक बहुत अच्छी दवा है कोल्चिकम, तीन दवा है एसिड पेंजोइक, न्यूट्रिका यूरियंस और कोल्चिकम, ये तीनों दवा लेने से आप गाउट को भी दूर कर सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्थराइटिस के लिए जो आपने उपचार बताए, दवा बताई, क्या दवा के साथ में कुछ और उपचार हमने कैसे भी है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है? एक परहेज एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इंसान को बीमारी पे करना चाहिए। जो चीजें आपको लाभ देती हैं आर्थराइटिस में ब्रॉडली, वो कद्दू आपको लाभ देता है, इसमें कैरोटीन होता है, शिमला मिर्च आपको लाभ देती है, मछली आप सेवन करें, मछली में एंटीऑक्सीडेंट ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इसके साथ ही जैतून के तेल में खाना पकाएं, हल्दी का अत्यधिक इस्तेमाल करें, इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट लेने से आपको काफ़ी लाभ होगा। और टमाटर आलू और बैगन का सेवन ना करें, पैक फूड का सेवन ना करें, चाय कॉफी इस सब का सेवन ना करें, स्वस्थ पे लें और ताजे पे लें, कुदरत की तरफ बढ़ें, तो इससे ही आपका आधा काम हो जाएगा। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जो दर्शक हमारे जिनके जोड़ों में दर्द है वो रेस्ट करें, आराम करें। बहुत होता है कि साहब हम चलते रह रहे हैं, हमारी तकलीफ है लेकिन हम चलते रह रहे हैं, तो ये कुदरत एक इंडिकेट करती है आपको कि आपके जोड़ों में दर्द है, आप बैठ जाएं और आप चलते रहते हैं, तो उससे आपका बियर एंटीयर और रक्चर और ज्यादा होता है और आपको तकलीफ होती है। तो सर कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ लोग इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं आर्थराइटिस में कि उनके हड्डियों का टेढ़ा कर दिया जाता है, ऐसे लोगों के लिए क्या उपचार संभव है? ऐसे लोगों के लिए उपचार संभव है, सर्वप्रथम तो उसको होने ना दें, आपको जैसी तकलीफ हो आप उपचार शुरू करें, और अगर होता है तो काफी हद तक इसको रोका जा सकता है और इसमें सुधार किया जा सकता है, बिल्कुल संभव है और ये बहुत अच्छा विकल्प भी है। और थैटिस में रीढ़ की हड्डी पर जो असर आता है, रीढ़ की हड्डी आमतौर पर लोग कहते हैं बैकबोन की समस्या हो गई, कमर में दर्द की समस्या हो गई, आमतौर पर वही लोग हैं जो शायद वर्क स्टाइल कर रहे हैं कि वो कुर्सी पर बैठ के काम करते हैं, मजबूरी है, ये शायद बहुत ज़्यादा बैकिंग करते हैं ऐसे लोगों के लिए, तो क्या इन लोगों को थैटिस समस्याएँ बढ़ती जाती हैं, तो उसके लिए प्राथमिक तौर पर होम्योपैथी में उपचार शुरू कर देना चाहिए? इसके लिए अवश्य उपचार शुरू कर देना चाहिए। हम देखते हैं जब हम दवा देते हैं कि आजकल लंबर स्पॉन्डाइटिस बहुत कॉमन हो गई है, मरीज MRI करा रहा है उसमें देख रहा है कि लंबोसेक्रल स्पॉन्डाइटिस बढ़ रही है, L12 और S1 ज्वाइंट पे सूजन लगभग मेरा मैं अपना आकलन करूं तो 5 में से 1 मरीज आर्थराइटिस का आता है, उसकी वही दिक्कत होती है, इसमें पैर का सुन होना, पैरों में झंझनाहट ये सब होता है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप रुई के गंदे पे लेते हैं, सबसे बड़ी चीज है आजकल कंपनियां बेच रही हैं, मैंने भी खरीदा था गद्दा, कंपनियां बेच रही हैं, सब कर रही हैं, लेकिन रुई का गद्दा आज भी सबसे अच्छा है, आप रुई का गद्दा लें, उसको लेके फर्श पे ना लेके, फर्श की ठंडक आपके जोड़ों की सूजन को बढ़ाएगी। उसके अलावा जहां आप काम कर रहे हैं, जैसा आपने कहा मैम आप काम कर रहे हैं, तो आप थोड़ा पोस्चर बदलते रहें, थोड़ा चलते रहें, किसी बहाने से 2 मिनट उठने से कोई काम नहीं रुकता, 2 मिनट उठ जाए फिर आके बैठ जाए, तो इससे आपका मूवमेंट होता रहेगा और आपको ये स्टिफनेस महसूस नहीं होगी। साथ में कारगर होम्योपैथिक दवा लें। बढ़ती उम्र की बात लोग कहते हैं आर्थराइटिस की समस्याएं होती है, लेकिन आजकल छोटे बच्चों को भी ये समस्या होने लगी है, कभी कभी पता चलता है बच्चे कहते हैं कि मुझे घुटने में दिक्कत हो रही है, किसी को पैर में हो रही है, या कभी गर्दन में अक्सर होती है बच्चों की समस्याएं, तो ये सब इसलिए क्या बच्चों की शुरुआत से ही हड्डियाँ कमजोर होने लगती हैं, किस वजह से होती है इसके आप बता दें? बच्चों को आजकल आर्थराइटिस हो रहा है, ये बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो कम उम्र में भी हो सकता है और जोड़ों में सूजन आ सकती है। ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें शरीर की इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाती है और आपके 3 सिम्टम 4 सिम्टम पाए जाते हैं। आपको जोड़ों में जलन होगी, आपको जोड़ों में गर्मी महसूस होगी, आपको जोड़ों में दर्द होगा और जोड़ों में सूजन होगी। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है और इसका इलाज तुरंत शुरू कर देना चाहिए, और बहुत आसानी से दर्शक इन दोनों चीज़ों का डायग्नोसिस भी कर सकते हैं।
अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस बड़े जोड़ों में दर्द हो रहा है, किसी एक विशेष जोड़ में दर्द हो रहा है, तो वो एक्सरे करा लें। एक बहुत छोटी सी जांच है और आपको ये इंडिकेट कर देगी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है या नहीं। और बहुत ही सस्ती जांच है ESR, अगर आपको रूमेटाइड सारी जोड़ों में सूजन आ रही है और आपको बुखार रहता है, हल्का सा सुबह सुस्ती रहती है, भारीपन रहता है, इसको मलेराइज कहते हैं टेक्निकल टर्म, तो आप जो है वो एक ESR करा लेंगे। बहुत सस्ती जांच है और ESR अगर आपका बढ़ा हुआ है तो निश्चित ही आपको शायद रूमेटाइड आर्थराइटिस की तरफ आप बढ़ रहे हैं। तो ESR, RA फैक्टर और MCCP, ये तीन जांच आपको रूमेटाइड आर्थराइटिस की भी डायग्नोसिस बना देंगे। जी तो सर, तो कई बार ऐसा भी करा जाता है कि जब महिलाएं मेनोपॉज की स्थिति में पहुंचती हैं उस वक्त उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं और हार्मोन नहीं बनते हैं कुछ, तो उसके लिए उनको कैल्शियम की दवाई दी जाती है और कहा जाता है कि आप इसको आजीवन का सेवन करें, तो क्या इसके लिए होम्योपैथी में कोई ऐसी दवाई है कैल्शियम की सब्स्टिट्यूट जिसको वो ले सके लगातार? होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाएं हैं। मेनोपॉज के बाद लेडीज के शरीर में एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कम हो जाता है। ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हार्मोन का कम होने से वो इसकी तरफ बढ़ने लगती हैं, तो इसके लिए बिल्कुल होम्योपैथी में दवा है। सबसे अच्छी दवा हमारे यहाँ कैल्केरिया पहुंची आती है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कर देती है। ये कैल्शियम सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये कैल्शियम नहीं है, लेकिन होम्योपैथी की खूबसूरती ये है, खास बात ये है, ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देती है इंटेस्टाइन में, तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होती। दूसरा, अभी लेटेस्ट खोज पाई गई है अमेरिका में, कई पेपर इससे पब्लिश हुए हैं, मैग्नीशियम की कमी से विटामिन डी में दिक्कत आ रही है बनने में, एब्जॉर्प्शन में। तो विटामिन डी अगर जिनके कम आए तो उन महिलाओं को, उन मरीजों को, उन व्यक्तियों को मेरा सुझाव ये है कि वो मैग्नीशियम लें। होम्योपैथी में इसकी दवा मैग्नीशियम बायोकेमिक आती है, तो मैग्नीशियम लेने से स्वतः आपका विटामिन डी बढ़ जाएगा। इसी कारण को खत्म कर देने से कारक अपने आप खत्म हो जाता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम लेने से विटामिन डी ठीक हो जाएगा, कैल्शियम होम्योपैथी का लेने से आपको कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, ये कैसे पता चले कि हमारा जो हड्डियों का जो लेवल है विटामिन डी और कैल्शियम का स्तर है, तो ये हमारी इन दवाओं से सही हो रहे हैं क्या? इसके लिए भी जांच करके पता चल, इसके लिए आप जांच कराएं और जांच एक ही जांच से दो चीजें, आप एक एक्सरे कराएं। अगर एक्सरे में आपको हड्डी के बीच में ब्लैकनेस ज्यादा लग रही है तो सोचिए आपका कैल्शियम कम हो रहा है, जिसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जी, ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस के साथ कंफ्यूज होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम को कम होने की स्थिति को ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो आप एक्सरे कराएं, फिर एक्सरे में देखें, अगर आपको व्हाइटनेस लगे तो यानी हड्डी में कैल्शियम बहुत है, हड्डी मजबूत है, और अगर आपको ब्लैकनेस से खोखलापन ऐसा फोटो के बीच में दिखे तो आप समझ लें आपका कैल्शियम जो है वो कम हो चुका है। जी सर, ये तो बात हो गई है कैल्शियम विटामिन डी की, लेकिन जब हड्डियों की ही बात हम कर रहे हैं तो बहुत से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में, उसके अलावा कुछ आनुवांशिक जो बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज है, थायराइड है या और भी बीमारियां हैं, उनमें जो हड्डियों का कमजोर होना बताया जाता है कि हड्डियां उससे कमजोर होती हैं और जो दवाएं लोग लेते हैं उससे भी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट चलता है, तो क्या उसके लिए कुछ हड्डियों को मजबूती मिलती रहे इसके लिए जो कैल्शियम दिया जाता है उसका भी होम्योपैथी में कोई इस तरह से दवाएं हैं जो हमेशा लेते रहें और कोई प्रभाव भी ना है? बहुत ही कारगर होम्योपैथी में इसके लिए, सबसे पहले तो कैल्शियम को कम ना होने दें, विटामिन डी को कम ना होने दें, और उसके अलावा नस को कंट्रोल करें। डायबिटीज है तो उसका लाइफ स्टाइल अपना ठीक करके, शाम रात में सुबह वॉक करके, खान पान में चेंजेस करके, अपनी क्योंकि लाइफ स्टाइल जीनी है तो उनको चेंज करें तो इधर स्वतः चेंज आ जाएगा। जी तो डॉक्टर साहब, कुछ एक्सरसाइज वगैरह ही बताते हैं आप या फिर एक्सरसाइज? बहुत इंपॉर्टेंट है और कहा ही, और ये बताया भी जाता है कि जब आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है जी, तो आप इसमें एक्सरसाइज करें, थोड़ा गर्म पानी का शावर लें, आराम करें और मालिश भी करें जी। इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, कारगर एक्सरसाइज है और वो बहुत ही कोई कठिन एक्सरसाइज नहीं है जी। बस सर, तो चलते चलते आप हमारे दर्शकों को स्वास्थ्य मंच बता दें जिससे हमारे दर्शक घर बैठ करके लाभ भी प्राप्त करें और साथ ही हमेशा हड्डियों के इन मामलों से थोड़ा दूर रहें और समस्याओं से भी जा पाते। स्वास्थ्य मंत्र सबसे बड़ा यही है कि जान है तो जहान है, अपना ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल को सही रखें, कुदरत के करीब रहें। आज हम कर ये रहे हैं कि मल्टीनेशनल कंपनियों का जूस रहे हैं, 20 रुपए का जूस ठेले पे साफ वो धो के दे के फल को छील के दे रहा है, वो ना लेके हम पैकेट का जूस ले रहे हैं जी। इसमें क्या समझदारी है? वो फल ज्यादा एक स्टेटस सिंबल बन गया है, वो सब्जियां ज्यादा खा रहे हैं जो मौसमी नहीं आती हैं,
क्योंकि वो थोड़ी महंगी है। तो मछली सब्जियां खाएं, कुदरत के साथ रहें, शरीर को समझे, ताजी हवा में रहें, गहरी सांस लें और खूब पानी पिए। आजकल हम पानी पीना भूल गए हैं, गहरी सांस लेना भूल गए, ये सब हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज बन के उभर रहा है और जो है वो तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है। जी बस आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हमारे दर्शकों का भी। दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज के कार्यक्रम से लाभ अवश्य हुआ होगा और इसके साथ ही आप और भी जानकारियां ले सकते हैं और भी उपयोगी बातें जान सकते हैं, लेकिन ये सिलसिला आप चला सकते हैं अपने छोटे से खत के माध्यम से। जी हाँ, आप अपनी प्रतिक्रियाएं और अपनी समस्याएं हमें लिख दीजिए। हमारा पता नोट कर ले, हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता आपका स्वास्थ्य, कमरा नंबर 204, दूरदर्शन केंद्र, 24 अशोक मार्ग, लखनऊ, फोन संख्या 226-0001। दर्शकों, आपसे चलते चलते कहना चाहूंगी, उठना करो एक छोटा सा संकल्प, अपने नायाब जीवन में सेहत का नहीं है कोई दिक्कत। जी हाँ दर्शकों, हम अपने आपके लिए थोड़ा सा संकल्प कर ले और थोड़ा सा ख्याल रखें, तो बस आपको अपने सेहत का साथी बनना है, अपना ख्याल रखना है। इन्हीं बातों के साथ आज के आपके स्वास्थ्य के अंक से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।